这村子还没有不少村民咋地？干了，你不是？民国都是从别人吃的吗？也是。吃两杯的。ये हमें लस्सी दी है जी, लस्सी का ऐसा लस्सी किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ भाई गर्मा आ गया। वही वाले नहीं बीच दी थी नाले। ये चिकन माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है। आज 14 जुलाई है तो हम तमाम दोस्त निकले हैं यहाँ से अपने यूबू झांसी के जो माउंटेन एरिया है, मेडो है, वहाँ के लिए। तो अभी 3 बज चुके हैं, हम यहाँ से निकले हैं। ये सारे दोस्त मेरे साथ हैं जी। भाई जान कहाँ का पुरगाम है आज? इसे तक इंशाल्लाह सबसे आखिरी अच्छा तक लगता है। सलाउद्दीन थके हुए अभी से? नहीं नहीं, अभी 5 मिनट नहीं हुआ, अभी अभी कैसे लगेगा जी? शरफुद्दीन कितना टाइम लगेगा यहाँ से? तारीख 5 घंटा। 5 घंटा अभी चल रहा है आज, सब चुस्त है फिलहाल, तो देखते हैं आगे। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ 1 घंटे बाद हम अभी यहाँ पहुँचे। हैं जगह कौन सी है जिराब इरफानुल्ला? हाँ जी, ये कौन सी जगह है? ये रांची पहुँचे और सिकला। ठीक, रवानी को आप चेक कर सकते हैं। दो तीन घंटा हो चुका है मुसलसल अभी हम जा रहे हैं। 1 घंटे बाद हम यहाँ पहुँचे। हमारे दो साथी जो नीचे थे हमें ज्वाइन किया है, ये भी बहुत जल्दी पहुँचे, नमाज का टाइम हो जाता है। ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं, वो आज क्या बात। हमारे भाईजान ने यहाँ पे देसी उपटन लगाए, सन ब्लॉक लगेगा। ये क्या इसमें शामिल है? ये सत्तू है। सत्तू है, वाह क्या बात है। यहाँ तक आज हमने पड़ाव डाला है क्योंकि हम ये 4 थके हुए बाकी ऊपर चले गए, तो इंशाल्लाह शाम तक हम पहुँच जाएंगे लगे जहाँ पे हमने स्टे करना है। थके तो नहीं है भाई? हाँ जी हवलदार साहब ठीक है। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, दो साथी उधर से अभी आ रहे हैं। अभी रात के 8 बज चुके हैं, ये हमारा ठिकाना है। ये दोस्त पहुँच चुके हैं जी, आज इधर स्टे करना है। आज इधर स्टे करना है जी, हम अभी पहुँचे हैं कोई जी। भाई क्या पकार है जी? अभी हम शाम के बाद यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी हम दूसरा साथी अभी आ रहा है, उनके लिए चाय बना रहा हूँ। माशाल्लाह आज यही स्टे करना इंशाल्लाह, कल सुबह 6 बजे। ये कितने हाइट पे हम अभी हैं? हम अभी हैं जनाब अली तकरीबन 12,000 पे। 12,000 फीट, कल इंशाल्लाह 18,000 तक इंशाल्लाह। जी हुसैन साहब थके तो नहीं है? हमारा हवलदार जो थके हैं वो पीछे जा रहे हैं 2 बजे पीछे। हमारा हवलदार साहब थके लगता है, मजा आ रहा है, थके हुए लगता है। जो है हमारे बाकी साथी फौज अहलन वसहलन उमर है, माशाल्लाह बारकल्लाह माशाल्लाह 12,000 फीट पे। भैया अभी तो सब फ्रेश हो चुके हैं, ये चपाती के लिए रात खाने के लिए माशाल्लाह। अच्छा ये प्याज काट रहा है, ये लगे हुए जी माशाल्लाह सब, क्या खूबसूरत मंजर। थकावट के साथ एक करक छे के साथ हावी जी का ये खस्ता खस्ता ब्रोस्ट ब्रोस्ट, ये रोटी रोटा मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बन रहा है सालन, यहाँ पे रोटी माशाल्लाह रात के 9 बजे। तो यहाँ हल्ला गुल्ला है, जो थके हैं वो यहाँ बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाह जी वाह क्या बात है, क्या बात।
آج اربان اللہ کتنا چپاتی لگانے کا پروگرام ہے؟ کم سے کم 40 اور 50 40 ایک لگانا ہے. 11 بجے اب شب کر رہے ہیں. السلام علیکم. صبح کے ابھی 5 بجے ہیں. تو یہ ہمارا مسکن. کچھ لوگ کبھی بھی سو رہے. ہاں جی بھائی السلام علیکم. ہاں ماشاء اللہ اٹھ جائے بھائی. ماشاء اللہ کیا بنا رہا ہے بھائی؟ ہاں بھائی تیار ہو رہا ہے ابھی سب. پیاز ہے جی. کہاں پہ ابھی پڑا ہوئے؟ ابھی یہ کھری کا ہم کل شام کو پہنچا تھا. ابھی ہم نے رات یہاں اسٹے کرنے کے بعد ابھی یہاں جا رہے ہیں. آگے جانا ہے؟ کتنے ہائکنگ پہ جانا ہے ابھی؟ کتنے گھنٹے لگے؟ ابھی 3-4 گھنٹہ مزید جانا ہے. اس کے بعد 10 کے چائے پینا ہے. اس کے بعد اور جانا ہے. جی شمس بھائی مزہ آ رہا ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے تیار ہے؟ ہاں بس جی تیار ہے. آپ کا حالت خراب لگا بھائی. یہاں سے نکلے 6 بجے. قوت الا باللہ العلی العظیم. ادھر سے ہم ابھی آئے 15 منٹ میں پہنچے بھائی. ماشاء اللہ پہنچ گئے جی. آدھا گھنٹے بعد یہاں پہ. یہاں تو پورا گھر بنا ہے. سولر لگا ہے بھائی. ماہ میں کیا ہوا ہے بھائی. واہ جی یہ دو ہے کمرہ. پانی بھی ہے ٹھنڈا. واہ جی کیا بات کیا بات. یہاں پہ رہتے ہیں اکیلا. یہ بھی دودھ دوہے کے ادھر رہتا ہے. 3 مہینے ادھر رہتا ہے اکیلا. یہ جی بڑا خطرناک لگ رہا ہے. یہ ہے پکڑیوں رکھنے کا بہت زیادہ. یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے بیڑ کتنے بکریاں ہیں بھائی. آ جا بھائی ادھر تو سارے بکریاں ادھر ہے بھائی. ہے آپ کا ادھر ذاتی ہے؟ نئی منظر دکھا رہے ہیں. یہ پیار ہے اپنے اپنے مالک کے ساتھ. یہ جی واہ یہ جی بالکل اس کا تولیہ جیسا اس کے زبان ہوتا ہے. یہ پیار دیکھیں. واہ بھائی واہ کیا بات.
नहीं जाने आतिश ना समझ आतिश से खुश है आतिश से तो बिल्कुल तोलिया है तोलिया नहीं रोटी दूंगा ये तोले तो राजा बाजार में भी नहीं मिलेगा आश 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 अल्लाह हां भाई क्या फील कर रहे हैं हां रुपेश क्या फील कर रहे हैं ये तो बिल्कुल मालिश है भाई स्पेशल आश आश यश ये मालिश है भाई सर का मालिश है बिल्कुल ये देख सकते हैं आप फ्री में बिल्कुल फ्री में ये पैसा लेते हैं शहरों में फ्री में देखें तोलिया जी ये असली घर है इनके ये देखे वाह वो तो हुई यश अच्छा दूध दिया हमें ये देखो दूध घर है जी हमें दूध दिया फ्री में इतना दूध ढाई किलो है ढाई किलो दूध दिया जी ये जनाब इनका घर यहाँ रहते हैं है क्या बात छत छोटा है ये हमें लस्सी दिया जी लस्सी घर ऐसा लस्सी किसी ने नहीं देखा होगा आज हमें मिला लस्सी और दूध फ्रेश बहुत शुक्रिया अभी हमने जाना है दोबारा गाय को यहाँ से ऊपर ले जाएगा शाम को फिर दोबारा इधर लाएगा जी हमें ढाई लीटर दूध और यहाँ से लस्सी मिला है गाढ़ा लस्सी गाय यहाँ से छोड़ता है सुबह और शाम को दोबारा इधर इकट्ठा करके फिर दूध दोते ये हरल है और ये जगह है फ्लैश आना आफिस जी आज जी यहाँ से जाना है दोबारा फ्रेश हो के भाई आधा घंटा चलने के बाद आ जाओ जी भाई रास्ता समझा रहे देखने थुरु जारे देखने दोरियां बागड़ी लगवो लो थुलबा फोकी तो थुलबा में क्या नडू कोई दो बने ये ताई आने जगह भी उन्हें जगने कोले योरी आही जोमीन सांथोल मीन जोमा आही मामखारा निशान पो देखने कोले युगलो करो नो फाइट पे भाई थका हुआ है फ्रेश मसल सिंगाई के घंटा है जिएगा हर जगह इसी तरह पत्थर है बस पत्थर ही पत्थर है ये देख स्नेल क्या बोले स्नेल जो है मुश्किल जरूर है लेकिन खूबसूरत भी बहुत है आगे स्नेल स्नेल तो नहीं ना पे तीनों जाया कम इतनी प्यास लगी है तो जब इस तरह चश्मा मिले अभी जी थोड़ा थका है क्या खूबसूरत मंजर है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है ये सला हाजिर छः बजे खुल कर भी उनका तकरीबन नौ बजे तो से नौ बजे थलचेत के मुँह पहुँचे उधर यंग घंटा जी तक इंशाल्लाह ना बाकर फिलहाल फोन दे गा थप्पा किस्ते दे उधर चाय चाय पिएगा फ्रेश हो के लिए हम थोड़ा वहाँ इंतजाम करेंगे ठीक और अब अभी ये सुनतो शुमी पे हमने सत्तू का शरबत पीना है अच्छा वहाँ चना खाना है नींबू खाना है फ्रेश हो इसमें ये माशाल्लाह यार देख पूरे गड़े और आगे बकरियों का ही देखते भाई क्यों दीन भाई हाइट पे आए थके तो नहीं है मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ फ्रेश है यो यो है ये देखो पूरा रेवड़ है जंगली ये चक्कर हो हा 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 चलो चलो चलो
یہ راستے جھکے ہیں بھائی بہت ہی خطرناک راستوں سے انہی پتھروں سے چل کے آ سکتے ہیں تو اوہ یہ دیکھو آگے گلیشیئر بھی نظر آ رہا ہے بھائی پہنچے ہیں جناب پانچ گھنٹے بعد یہاں ہائٹ پہ حالت خراب ہے جناب حوالدار صاحب کا لیکن مجاہد صاحب ابھی ٹھیک ہے ہمارا جناب بسلا الدین صاحب چست چلا گئے اوسر صاحب کیا حال ہے حالت خراب ہے بات کرنے کے لائق نہیں کوئی بھی دیکھو سب کے حالت حالت خراب ہاں 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 آدھا گھنٹہ ہم نے یہاں سٹے کیا ہے حالت خراب ہے سب کے تھکے ہوئے ہیں لیکن حوصلہ بلند ہے چلے بھائی لوگ تیار ہو جاؤ ستو کے شربت پیا ہے تیار ہے فریش ہے چلے تو بھائیو سین کچھ یوں ہے آج کے دوپہر کا کھانا لنچ پھر رات کا کھانا ڈنر اور کل کا ناشتہ اس کے لیے سے آگے گلیشیئر ہے لکڑی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لکڑیاں اکٹھے کر رہے ہیں دیکھو تو تین ٹائم کے لیے ہم نے لکڑیاں اکٹھے کرنا ہے اگے گلش لکڑی ہم نے تیار کی ابھی بیگ کے ساتھ باندھا اس طرف پھر جا رہے ہیں ہم ابھی یہ چکر ہائے ہاں بھائی راستے بہت مشکل ہے جی ہائے مشکل ہے لیکن ہے بہت بڑھیا ہے بہت بڑھیا ہاں یہ دیکھو لکڑی جمع کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہنچے ابھی اور جو پہاڑ کے اوپر بہت خوبصورت جو نظارے ہیں تو ہم اس وقت پہنچے ہیں تقریباً ٹوک بیس کیمپ ہے اچھا تو بیس کیمپ ہم چائے شائے پی کے تھوڑا ریلیکس ہو کے اور آگے مو کرنا ہے تقریباً دو گھنٹے کا اور ہمارے ٹریکنگ ہے تو دو گھنٹے کی ٹریک کر کے آخری جو جھیل ہے گلیشیئر وہاں تک جانا ہے آج وہاں تک انشاءاللہ پہنچے گا کیوں نہیں پہنچے گا سب ہمت کرو چلو انشاءاللہ دیکھتے ہیں